आदेश कहीं और का बुलडोजर चलाया कहीं और। खबर राजस्थान के पाली जिले के सोमेसर गांव में सरपंच एवं पटवारी द्वारा सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने का आरोप लगाते हुए गांव के बाहर रह रहे 50 से भी ज्यादा परिवारों के आशियानों पर बुलडोजर चला दिया, जिससे पीड़ित परिवार पिछले 3 दिन से रोड पर रहने को मजबूर है। कोरोना जैसी बीमारी में जहां सोशल डिस्टेंस नहीं रहने से इस बीमारी के होने का डर के साथ साथ रोजगारी की समस्या हर किसी को है, हाईवे रोड पर निकलने और उसके पास में झोपड़ियां एवं पक्के मकान अवैध रूप से बनाने का आरोप लगाते हुए उन पर बुलडोजर चला दिया, जिससे उनके आशियाने को चंद ही मिनटों में सपनों को चकनाचूर कर दिया। पीड़ित परिवार का कहना है कि इन्होंने ना तो हमें कोई सूचना दी और ना ही कोई नोटिस, बिना जानकारी के गांव के सरपंच पटवारी पुलिस बल लेकर अतिक्रमण का आरोप लगाते हुए बुलडोजर हमारे घरों पर चला दिया, जबकि हम घर पर नहीं थे, जिसकी वजह से हम 50 परिवारों को रोड पर रहना पड़ रहा है। बारिश का मौसम है और घरों में बिजली के मीटर लगाए हुए थे, सरकारी खंभों पर जो लाइट लगी हुई थी वह भी उतार कर ले गए। हम पिछले दिन 3 दिन से अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। हमारे पास सरकारी दस्तावेज होने के बावजूद हमारी एक न सुनते हुए अपनी हट निर्भरता दिखाते हुए हमारे सपनों को चकनाचूर कर दिया। हमारे पास अब ना तो रहने के लिए घर है और ना ही कमाने के लिए कोई रोजगार। उन्होंने यहाँ तक आरोप लगाया कि सरपंच के भाई का मकान भी अतिक्रमण में आता है, लेकिन उन्होंने अपने भाई के घर पर कार्यवाही नहीं की और हम गरीब परिवारों को धमकाते हुए हमारे आशियाने गिरा दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज़ इंडिया। हमारा तो सर देखो अड़ा झूपड़ा है, तब भी बिकोर दिया। हमारा तो घर बार नहीं है और 3 बिंदनी आती है और पोता पोती है छोटा, वो मैं रहूँ के या बिंदनी रहे। सर मैं बिनती करके बोल रही हूँ, मैं खुद फैमिली पे जाती हूँ सर, मेरी मजदूरी करने, अब मैं बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँ बताओ। हमारा ऐसा मकान है तो ही नहीं रहे, मेरा झूपड़ा बिकोर के चला गया, अभी बताओ तो हमारा मेरा रास्ता रहे तो बताओ वहाँ जाऊँ। हाँ वो देखो वो बच्चो इतना निकाल, वो करीब करीब मैंने वो इतने रहता ना, मैंने करीब करीब 20 साल हो गया। हाँ बाकी एक हाथ नकू और मैं वाड़ करूँ, बाकी वाड़ भी खोर दी, जेसू भी लगा दी और मैंने दूजा भी परेशान करे और सरपंच ही करे और वाड़ पंच ही करे, कोई भी मैंने सुविधा नहीं दे रहा है। वो एक कागज आयो हमारे कने वो है देखो विनती, हमारा 5 लड़का है और एक सरपंच का नाम अर्जुन लाल है, हमारे सब एटा है जो को सब आया था सर, पटवारी आया था, पटवारी नाम का था गिरधारी लाल, और पुलिस भी आई, लेडीज पुलिस भी आई और जेसीबी लग गई। हमारे का एक हाथ लेना रहा तो ले लो, नहीं तो ये भी मिट्टी में मिला दूंगी। और मुझे बहुत परेशान करा, मैं तो फैमिली में गियोड़ी थी और सब आया पर मेरे तो होना भी पड़िया था। अब सर मेरा कोई रास्ता नहीं है। सर मेरे 30 साल से कब्जा था सोमेश्वर में, लेकिन सर मेरे 20 साल मेरी शादी शुदा हूँ मैं, 20 साल से मतलब मैं यहाँ पे रह रही हूँ, लेकिन 20 साल का मेरे मोटा मोटा बच्चे भी है, छोटा भी है, गाय धरा भी है, और सर मेरे 8 साल हो गया मेरे को पंचायत ने पट्टा दिया हुआ है, वो भी कैब में मिला हुआ पट्टा, 3 साथ में मिला था, एक पट्टा तो रख गया, 2 पट्टा को हटा दिया। अबे सर वो सरपंच ऐसा कर रहे हैं, वो पहला वार्ड पंच था तो बोले वो मतलब खुदरो अर्जुन लाल ने मेरे पट्टा पे पट्टा किया और मेरे को कल पंचायत में परसों सोम रहा बुलाई तो बोले कि ये पट्टा मेरा तुम्हारा नहीं है, तुम बाहर निकल के वो पट्टा मेरा है। तो मैंने बोला सर आप इतना साल कहाँ गया था, और पटवारी भी साथ में था और वार्ड पंच भी साथ में था और सरपंच भी वहीं था बरोबर। तो सर मैं कहती हूँ कि 3 पट्टा साथ में एक ही दिन मिला तो वो एक पट्टा कबाडी में हो गया तो 2 पट्टा कैसे नहीं हुआ बरोबर। तो लेकिन सर वो मेरे को अब 8 साल आप देख रहे हो वो ओरिजिन पट्टा एक नकली है बरोबर है। तो लेकिन सर मेरे को पौनी पंचायत अगली ने दी है तो ये बोलता है कि आपका मैंने 1100 रुपया पहले पौनी से भरा था, लेकिन वे बोल रहे 1000 रुपया मेरे को फेर दो। तो मैंने बोला सर मैं गई पंचायत में कि 1000 रुपया आप ले लो और मेरे ये पौनी का बिल मेरे को वो रसीद दे दो। तो सरपंच ने बोला कि ये आपका कनेक्शन कटेंगे और आपका मकान भी हटेंगे। ठीक है, अब आपका जो ये नुकसान हुआ, हाँ सर, ये जो अब आप क्या चाहते हैं? मेरे तो सर वो पट्टा है, मेरे को यही पट्टा चाहिए
और जमीन में ये कब्जा सोडन वाले हूँ नहीं बरोबर। मेरे को वो बोलते हैं कि आपको खाली करो, मैं खाली नहीं करूँगी। सेटर मेरे को लगा हुआ है, वो भटाता था तो मैंने रोका दिया। तहसील साहब साथ में था, थानादार भी साथ में था, तो मैंने वे कहा कि तोड़ो, मैं सर मेरे पत्र मत तोड़ो, मैं स्वयं का हटा दूंगी। तो बोले मैं सर मेरे घर पे कोई नहीं है। तो सरपंच ने बोला, छः आदमी को बोला कि इसको पत्र हटाओ, तो सर वे कोई एक भी गंदर नहीं की। सरपंच वार्ड पंच सब इधर ही था, तो वही मेरे पास में जैसे भी तोड़ती आई तो मैंने आड़ी रोका दी। मैं सर मत तोड़ो, मैं हमारे काल सोमरा 7 बजे खोल दूंगी। दूसरे दिन परसों फिर वार्ड पंच आया और सरपंच आया, तो बोले कि पत्रा कैसे नहीं खोला, पिस्ता किसका नाम है? मैं कि मेरा नाम है। तो कह पत्रा खोलो। मैं सर मैं पत्रा नहीं खोलूंगी। तो कह पत्रा कहेगा हटाओ। मैं कि नहीं हटाऊंगी। तो क्यों नहीं हटाओगे? मैं कि सर मेरे पास में पट्टा है बरोबर सर। तो कह नहीं हटोगे, जैसे भी लाता हूँ मैं अभी आपका हटाऊँ, मैं जैसे भी आप ला सकते हो। इतना मैं सर किया, कोई गलत मैंने बोला नहीं, गलत कोई हाथ उठाया नहीं, कोई केसबाजी किया नहीं। ठीक है, मेरा तो वो बस अब के मेरा तो वही पट्टा चाहिए और मेहरबानी करके आप डराओ और गरीब लोगों को सबको डराओ सर। कल आए थे वो सब पंचायत वाले आए थे, सरपंच साहब आए थे, अर्जुन लाल और मीणा साहब पटरी साहब आए थे बराबर नहीं, तो हमको कोई सूचना तो दी नहीं। एक साथ में आए और एक अरुण था वार्ड पंच, वो सब साथ में आके एक साथ में आक्रमण किया और जैसे भी लाकर सबका तोड़ दिया मकान बराबर नहीं। तो बाल बच्चे थे हमारे, सब रो रहे थे, तो भी उन्होंने वो रो रहे थे, बाल बच्चे भी चिल्लाए, बहुत चिल्लाए, तो हाथ जोड़ कर उन्होंने विनती भी करी, पुलिस वालों के पाँव पड़ गए, पटवारी के पाँव पड़ गए, लेकिन उन्होंने कोई कुछ हमारी बात मानी नहीं बराबर नहीं। तो वो बोल रहे कि हमको बोल रहे कि भाई के रोड निकल रहा है, रोड के हिसाब से तुमको खाली करनी पड़ेगी ज़मीन, लेकिन सर रोड की तो जगह बहुत बड़ी है और हमारा एक साइड में रोड का कोई मामला नहीं है, हम एक साइड में बैठे हैं। इसके लिए हम वहाँ पर जाकर पाली कलेक्टर साहब से मिल लेते हैं और कलेक्टर साहब को मैं आदेश किया कि भाई हमारे जाके आप सुनो हमारी स्थिति क्या हो रही है, सब हमारा मकान तोड़ दिया, नुकसान कर दिया, पानी का टंका तोड़ दिया बराबर नहीं, सब बिखोर दिया क्या। मैं कल जाके आया था कलेक्टर साहब से। सरकार से आप क्या चाहते हैं? सरकार से तो यही चाहते हैं मालिक कि हमारे को रहने की जगह चाहिए बराबर नहीं, और ये सरपंच साहब और ये मतलब ये पटवारी साहब ने मिलकर मिलजुल कर दोनों सब इकट्ठे होकर बोल रहे हैं, हमको समझा रहे कि भाई कि ऐसे करो कि तुम खाली कर दो और उसके बाद जो मेरी इच्छा मेरे पास में आना मैं तुमको दे दूंगा पट्टा काट के बराबर। किसी भी चीज के लिए कोई पैसा मांगा आपसे? कोई पैसा दिया आपने? पैसे मांगा सर, पैसे मांगा ना, पैसे मांगा, अगर 50,000 रुपये दे दो तुम तो उसके बाद जो हम पट्टे दे देंगे, और हमने मना कर दिया तो डायरेक्ट आकर आक्रमण कर दिया। आप यहाँ कितने सालों से यहाँ रहे? 30 साल हो गया सर मेरे को, 30 साल बराबर नहीं। मेरे गाय हैं बराबर नहीं, गाय भी तो चरने के लिए गई है। 30 सालों में आपके यहाँ बिजली का बिल आपके नाम से है, सब है? बिजली का बिल हमारे बाजू में आया साहब, हमारे मिश्री लाल जी के पास में है, बीपीएल में है वो बराबर नहीं। और अभी मेरे पास में तो पैसे सर है नहीं बराबर नहीं, और मेरे बच्चे हैं छोटे, तो मैं अभी कहाँ से लाइट बिल भरूँ, कोरोना चल रहा है, कहाँ से, कमाई नहीं है मेरे पास में तो उतनी बराबर नहीं। अभी मेरे गाय है तो गाय का झोपड़ी भी तोड़ दी करा हुआ था, तो अभी गाय का कहाँ पे बांधूंगा मैं उसको बराबर नहीं। और ऐसी महामारी के अंदर ने साहब बोल रहे हैं कि कोरोना चल रहा है, कोरोना चल रहा है, तो अब धंधे ही बहुत चल रहा नहीं है, और बच्चों को लेकर कहाँ पे जाऊँ बोलो आप। कोरोना में तो आंसू कर लाइट।